अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो अभी भाई शाम का टाइम हो रहा है और आज मैंने सुबह से वीडियो स्टार्ट नहीं की, क्योंकि भाई काफ़ी बार बार चक्कर लग रहे थे पापा के और मेरे, बाहर कुछ काम थे। 3-4 दफ़ा हम लोग बाहर गए, मार्केट भी गए और फिर खाना पकाने के लिए भी लाए, तो इस वजह से बार बार चक्कर लग रहे थे। तो खैर अभी मैं फारिग हुआ हूँ, अभी मैंने मुँह हाथ भी धोया है, सुबह से ऐसे ही घूम रहा था। और आज गर्मी भी बहुत ही ज़्यादा थी, क्योंकि बाहर गया हूँ तो पता चला कि गर्मी कितनी ज़्यादा थी। और बाइक पे तो धूप में जाना, धूप में आना बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। तो खैर अभी फारिग हुआ हूँ तो एक मेरा एक ज़रूरी काम भी है, पापा से ही मशवरा करता हूँ और नेहा से भी थोड़ा बहुत पूछता हूँ, और आप सबको भी खुद ही पता चल जाएगा कि क्या काम है। और भाई यहाँ पर देखें, पापा फ़िलहाल इधर बैठे हुए हैं बैठक में और नेहा यहाँ पर किचन में काम कर रही है। ये शाम के खाने के लिए मसाला वगैरह कूटा जा रहा है। क्या कूट रहा है इसके अंदर? लहसुन अदरक अच्छा, पीसा जा रहा है, कूटा जा रहा है। दोनों ही बोल सकते हैं कुछ भी। अच्छा हाँ, और पक रहा क्या है आज? आज दाल पका रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैंने सोचा दाल ही पका लेते हैं। हाँ, चावल खा खा के दिल भर गया और गोश्त खा खा के अब दाल ही खा लेते हैं। वैसे तो मैं खाता नहीं हूँ लेकिन आज खा लूंगा, काफी दिनों के बाद। पंजाब में खाई थी, 1 हफ्ता हो गया, आपी ने बनाई थी जब, लाल दाल, वो बड़ी जबरदस्त लगी थी मुझे। अब फिर खा लेंगे। हाँ, वरना अपने घर की तो इतनी खाता नहीं हूँ। और खैर मैं ये बोल रहा था कि मेरा जो चलाने वाला, यूज करने वाला मोबाइल है वो खराब हो रहा है, बिल्कुल एंड हो रहा है उसका। अच्छा काफी टाइम हो गया उसको खरीदे हुए, चला चला के वो खत्म हो हाँ, रहा है। बहुत टाइम हो गया, अब आप इतना चलाते हैं उस फोन को। हाँ, अब वो यूज होता है कॉल में भी और दूसरे कामों में भी यूज होता है, तो खराब हो रहा है। मैंने सोचा है कि उसको चेंज करूँ, क्योंकि उसका माइक भी खराब हो रहा है न्यू ले लें। और भी उसके अंदर मसले आ रहे हैं। तो सोच रहा हूँ कि उसको बेच के जितने पैसों का बिकेगा उसमें कुछ 5-10 हज़ार जितने भी पैसे कम पड़ेंगे तो वो डाल के कोई और यूज में मोबाइल ले देखें, लूंगा। अब यूज में तो आप लेंगे ही, लेकिन फिर वो दोबारा 2-3 महीने में फिर मसला हो जाएगा। एक ही बार ले लें आईफोन, अच्छे खासे पैसे मिला के, अब तो कमाते भी हैं। एक ही बार आईफोन ले लें, हमेशा की झंझट खत्म। नहीं, पैसे तो हैं लेकिन आईफोन की तो बात अलग है, वो तो कभी ना कभी ले ही लूंगा, लेकिन पैसे बचाने भी तो है ना। मैं सोच रहा हूँ कि कोई यूज में जाके देख लूंगा, अच्छा सा सही सा समझ में आया तो, वरना तो फिर कोई डब्बा पैक देखूंगा। क्योंकि ये वाला जो मोबाइल है मेरे पास, इसको भी बेचूंगा तकरीबन भी 20-22 हज़ार का, 20 हज़ार तक का तो बिक जाएगा। और फिर वहां जाके देखेंगे 30 हज़ार का मोबाइल मिलता है या 25 का मिलता है, तो कुछ पैसे उसके अंदर डाल के नया चले, मोबाइल मर्जी ले है, पापा से लूंगा। भी मशवरा कर लें एक बार, पूछ लें कौन सा फोन लेना चाहिए कौन सा नहीं। पापा से भी पूछ लेता हूँ कि पापा क्या बोलते हैं। और भाई पापा यहाँ पर बैठे हुए हैं, सुकून से आराम कर रहे हैं, और पापा से भी मैं बोल देता हूँ मोबाइल का। तो मैं सोच रहा हूँ कि अपने वाला पुराना मोबाइल बेचूं और कोई दूसरा लूं। वो ये वाला मोबाइल हाँ, ये जो चलाने वाला है ये वाला, क्योंकि ये खराब हो रहा है, इसका माइक भी खराब है और एक दो खराबियां इसके अंदर हो रहे हैं, पीछे से भी टूट रहा है सारा, माइक खराब हैंग है, चलता है ये। आवाज़ नहीं आती। तो बता हाँ, रहा था मैं कितनी दफा कॉल करता हूँ तेरे इसी की को, कॉल आती है फिर हैंड फ्री लगानी पड़ती है। टूटा हुआ भी है, तो गिराया भी कई दफा हाँ, टूटा हुआ ये देखे, पीछे से ना। तो कैमरा भी इसका टूट चुका है। ये कितने का बिक जाएगा ज़्यादा? ये अंदाजा तकरीबन भी 18-20 तक का तो बिकना चाहिए, क्योंकि 18-20 का ये अभी जो बिकेगा। रेट चल रहे हैं ना मार्केट में, हाँ, उसके हिसाब से 18-20 हज़ार का बिक जाएगा। मैंने पता है क्या सोचा था, मैंने सोचा एक ही दफा तेरे को दिला दूँ आईफोन, है ना, आईफोन का रिजल्ट भी अच्छा होता है। आईफोन में यानी कि वो महंगे वाला नहीं, एक अलेवन हाँ, भी आता है, अलेवन उसमें में छोटे भी होते हैं, 11 होता है, 12 प्रो मैक्स वो होता भी है। अगर एक सिम वाले लेंगे तो वो 30 से 35 हज़ार तक का, 40 तक का मिलता है, ऐसे नहीं, ज़्यादा का मिलता ज़्यादा है। का मिलेगा। अच्छा, हाँ, महंगा मिलता है वो। मैं नहीं चले हुए की बात कर रहा हूँ। अब वो जाके पता करना पड़ेगा कि कितने का मिलता है कितने का नहीं। अच्छा चल, फिर ऐसे करते हैं, फिर अभी चलते हैं, क्योंकि फिर रात को रात हो जाती है, फिर रश ज़्यादा हो जाता है मार्केट में।
मार्केट में रश भी हो जाता है और आपको पता है ना। फिर यहाँ पे चोरी चकारी बहुत है। हाँ रात में फिर खतरा भी होता है लाने में खरीदने हाँ में। अभी उजाला है, रोशनी है, अभी चलते हैं, बाइक निकालता हूँ। चल ठीक है, तो बाइक तो बल्कि सोच पहले कर लिया ना इंटरव्यू कि कौन सा मोबाइल लेना है, किस किस तरीके का लेना है। सोचा हुआ तो है मैंने, अब वो वहीं अब जाके वो वहीं जाके देखूंगा देखेंगे, चलो या कौन सा यूज में पसंद ले आता है। लेंगे या फिर कोई और डब्बा पैक ले लेंगे। चलो ठीक है, पहले इसको बेचते हैं और फिर लेकर आते हैं दूसरा, सही है, देखते हैं कौन सा मिलता है। चलें भाई, चप्पल वगैरह पहनता हूँ मैं और फिर बाहर चलते हैं। बाइक तो मैंने पहले यहाँ पर खड़ी की हुई थी और बाहर आज बहुत ही ज़्यादा कीचड़ हो रही है, क्योंकि ये ऊपर वालों का पानी है ना, बहुत ज़्यादा आता है, शर्म ही नहीं है, क्या करें। बच्चे इधर आते जाते हैं, उनके ऊपर भी जाता है, वो वहाँ तक आगे तक जा रहा है इनका पानी। तो फिर बाइक स्टार्ट करता हूँ और फिर चलते हैं। चलें भाई, अभी हम लोग मार्केट में आ गए हैं और ये मार्केट है 9 नंबर की मार्केट और हमारे घर के पास ही है। और अभी फ़िलहाल मार्केट में रश भी नहीं है बिल्कुल भी, दुकानें कुछ दुकानें बंद हैं और आधी से ज़्यादा दुकानें खुली हुई हैं। और ये इनकी दुकान है जहाँ पर हमने मोबाइल सेलेक्ट करना था और मोबाइल पसंद भी कर लिया है। और अभी ये भाई मोबाइल खोल रहे हैं, डब्बे से खोल भी लिया है। और ये रहा भाई जी मेरा वाइट कलर का मोबाइल, जो कि काफ़ी खूबसूरत है, मुझे पसंद है। और आप लोग भी बताना कि किस किस को पसंद है और किस किस को नहीं। बाकी घर पे जाके नेहा को भी दिखाएंगे और पापा अभी रेट वगैरह की बात कर रहे हैं कि भाई कम कर लो, फिर ले तो लिया अभी। चलें भाई, अभी मार्केट से हम लोग मोबाइल लेकर आ गए हैं और सबसे पहले हम लोग खाएंगे खाना, क्योंकि भूख भी लग रही है और काफ़ी देर लगी मार्केट में, दो चार दुकानों पर घूमे और अभी तो फिलहाल आ गए, खाना खाते हैं और फिर उसके बाद नेहा को भी दिखाता हूँ मैं मोबाइल और आप सबको भी दिखाता हूँ। तो चलें भाई, अभी खाना वगैरह तो खा लिया है हमने और अभी मैं जाता हूँ पापा के कमरे में। नेहा भी यहीं है और पापा भी, नेहा ये रही और पापा ये रहे। तो अभी इसको मोबाइल दिखाते हैं नेहा को, और पापा ने तो देख ही लिया है। ये लो भाई मोबाइल, ये अपने हाथों से खोलो और चेक करो, बताओ कैसा है। डब्बा तो अच्छा लग रहा है वैसे, ग्रीन कलर का, ऐसा डब्बा पहले नहीं देखा, ग्रीन कलर का, ब्लू नया कलर के आते हैं ऊपर से हमेशा, देखने में नया लग रहा है, पुराना लग रहा न्यू लग रहा है, चमक आ रही है पूरी, ये देखें न्यू है। इसकी करके जो ऊपर जो शॉपर थी अकेली, वो हमने वहीं पर ही फाड़ दी। डब्बा पैक लिया है, यानी कि हाँ डब्बा पैक हमेशा लिया है। यूज में लेके आते हो, आज डब्बा पैक लेके आए हो। और खोलने से पहले ये भी बता दें इसकी कीमत बहुत हाई फाई कीमत है। हाँ चले तो देखते हैं कितनी कीमत है इसकी, ध्यान कितनी। से खोलना है, पीछे पहली नहीं गिर जाए। पहली दफा ये हमने मोबाइल लिया है। वाह भाई, ऊपर ही फोन आ रहा है, ये रहा। अच्छा लग रहा है, दिखाओ आईफोन, खो, आईफोन खोल के आईफोन चेक कर। नहीं है, उसके डिजाइन में बना हुआ है। आईफोन के हाँ तीन डिजाइन में कैमरे बना, हैं पीछे, लेकिन आईफोन के कैमरे छोटे होते हैं, कौन इसके सा बड़े हैं। आईफोन 13 प्रो मैक्स या आईफोन 13? iPhone 13, मुझे तो हाँ पता ये नहीं है है। अच्छा इन्फिनिक स्मार्ट 8 प्रो, ये देखें ये रहा फोन, जो कि बहुत प्यारा लग रहा है मुझे तो, ये देखें बिल्कुल न्यू, चमकदार। और चमकदार नहीं ये वाइट नहीं है, ये मेरे ख्याल में सिल्वर कलर है, ये साइडों से सिल्वर है, व्हाइट कलर साइड है, है सिल्वर है इसकी, साइड है बाकी सिल्वर है, पीछे पीछे का से व्हाइट है। वाइट और ब्लू ब्लू शेड है। नहीं बहुत प्यारा लग रहा है मुझे, धुपल के पसंद आ रहा है। ये देखो चलाने हाँ है, ये अच्छा है, छोटा छोटा सा, मेरे फोन से छोटा लग रहा है, लेकिन फर्क बस हल्के फुल्के थोड़ा बहुत होता है साइज थोड़ा छोटा बड़ा बहुत तो, होता है लेकिन अच्छी ना। चीज है। और बाकी डब्बे के अंदर भी चेक कर लो कि क्या क्या चीज़ है और क्या क्या नहीं है। अच्छा इसका कैमरा रात में कैसा है? कैमरा तो सही लग रहा सही लग रहा है, कैमरा भी सही है, बस गुजारे बस लायक। गुजारे लायक है, लेकिन ये तो आपको यूज में चाहिए ना। ये देखें हाँ जी, ये मिला है चार्जर, जो कि हमें कभी भी नहीं मिलता है, क्योंकि हम यूज फोन लेते हैं, लेकिन इस बार भाई लाए हैं डब्बा पैक फोन, इसमें चार्जर भी निकला है, खुशी की हाँ बात है मेरे लिए। और इसके अंदर फोन हाँ का कवर भी होगा, हाँ फोन का कवर भी है, ये रहा, ये रहा। ये देखें, वाह भाई वाह, ये फोन का कवर आ गया, फोन का कवर भी इतना प्यारा है, छोटा सा पतला सा। बिल्कुल वाइट है, शीशे की जैसे वो नहीं होता, शीशा होता है। हाँ ये ये वही है,
कड़क प्लास्टिक कड़क वाला प्लास्टिक है, वैसे सब। जो हम अलग से कवर लेते हैं ना वो नरम होते हैं, ये बहुत कड़क है। तो ये फिर मेरे ख्याल से कड़क हो जाएगा ज्यादा, नहीं ये ऐसे ही रहेगा ऐसे ही नहीं, लाइफ वैसे सब टाइम। लगाएंगे ना तो अच्छा लगेगा। देखो ये देखें किनारे इसके इसमें अच्छे हैं, देखो सिर्फ ये के नोक नोक पे आज किनारे दिया है ना साइड, पूरा एक नहीं है ये ऐसे। देखे ये लग गया कवर, ये बस कोनों पे से दिख रहा है, साइडों पे बिल्कुल भी नहीं है, पीछे सही है, है। कवर तो और भी मिल हाँ जाते हैं, कोई और ये लेके लगा मर्जी होती है, ये तो लेंगे। खैर शुक्र करें कि दे देते हैं कंपनी वाले भी। इन्फिनिक्स और हाँ उसकी गारंटी है 1 साल वारंटी अच्छा, कार्ड गारंटी, 1 साल गारंटी है कंपनी। नहीं बहुत प्यारा है आपके लिए, अच्छा है। तो चले वही, नेहा को तो मोबाइल पसंद आया, मैंने सोचा था पता नहीं पसंद आएगा या नहीं आएगा, लेकिन उसको पसंद आया ये कह रही है। तो चलें भाई, मोबाइल वोबाइल भी देख लिया है और पसंद भी आ गया और ले भी लिया भाई। तो और आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको पसंद आई होगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कल मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।